जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी गांव वाला। देखिए आज हम बात करने वाले हैं, काफ़ी लड़के जो है काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आएंगी। देखिए मेरे पास भी कोई ऐसा मतलब प्रूफ नहीं था जो कि मैं आपके इसके लिए वीडियो बना दूँ। आज जो है मुझे एक नोटिफिकेशन मिला है जिसके थ्रू मैं आपको एक वीडियो बनाकर बता रहा हूँ कि कितने आपके इसमें पद रहने वाले हैं और कितनी आपकी भर्ती हैं और कब से जो है इसके ऑनलाइन शुरू होंगे और एज में छूट मिली है या नहीं। आपके सारे डाउट इसमें मैं क्लियर कर दूंगा। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए, और बगल में ही जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं नए साल में 35,757 सिपाहियों की भर्ती, लखनऊ। ये अमर उजाला की कटिंग है आज की ही, जिसको अगर नहीं है तो आज का अमर उजाला या कोई सा भी न्यूज़पेपर देख सकते हैं, हर न्यूज़पेपर में मेंशन किया हुआ है। प्रदेश में सिपाहियों के खाली पड़े 35,000 से अधिक पदों पर नए साल में भर्ती होगी। इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए DGP मुख्यालय ने उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। यानी कि DGP मुख्यालय से जहाँ पर ब्यौरा है कि इतने पद हमारे खाली चल रहे हैं, वहाँ से PSC मुख्यालय के लिए ये भेज दिया गया है कि हमारे विभाग में इतने पद खाली चल रहे हैं। और बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि मुख्यालय से 35,757 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मिला है और इसके लिए कार्यदायी संस्था के चयन की कार्यवाही भर्ती बोर्ड कर रहा है। यानी कि जो भी आपके एग्ज़ाम कराएगी, आपका PET PST, जो भी आपका मेडिकल वगैरह जो कराना है, जो संस्था होगी उसके लिए चयन किया जा रहा है। और इस प्रक्रिया को पूरा होने में जो है 1 से 1.5 माह का समय लग सकता है। यानी कि आपका देखिए दिसंबर स्टार्टिंग हो गया है, आज 2 दिसंबर हो गई है, तो आपके नए साल से पहले मतलब 2023 के पहले सप्ताह में, जनवरी के पहले सप्ताह में आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर ये एक न्यूज़ और दी गई है, दिसंबर के अंत तक लिपिक संवर्ग का परिणाम। विश्वकर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस एवं सतर्कता विभाग में लिपिक संवर्ग के 1329 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी करा ली जाएगी और इसके लिए लिखित टंकण और आंसुलिपि परीक्षा कराई जा चुकी है। यानी कि आपकी जो है शॉर्ट हैंड वगैरह जो है इसमें सब कुछ हो चुकी है। ऐसे में दिसंबर के अंत तक चयन यानी इसका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट जो है दिसंबर तक आ जाएगा। और यही थी आज की न्यूज़। जैसे ही ऑनलाइन होने लगेंगे मैं आपको जो है एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, या और कोई अपडेट होगी तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, किसी भी जानकारी के लिए चैनल का सब्सक्राइब होना ज़रूरी है। और आपका यदि कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको सूचित कर दूँगा। तो चलिए यहीं थी आज की वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।